यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में बसपा और सपा गठबंधन चुनाव लड़ेगा। सपा की मांग पर बसपा ने 3 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी के लिए छोड़ने का ऐलान किया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक पार्टी 3 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बसपा ने अभी तक सतना और मुरैना से अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन को लेकर दावेदारों से चर्चा भी की है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी एसपी के गठबंधन पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष डीपी चौधरी ने ये ऐलान किया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के लिए सपा और बसपा गठबंधन का ऐलान पहले ही हो गया है। वहाँ सपा और बसपा ने यूपी की 38-38 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी से अगर हमें 2 कदम पीछे हटना पड़ा तो हम हटेंगे और बीजेपी को कड़ा जवाब देंगे। अखिलेश ने सपा कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि आदरणीय मायावती का सम्मान मेरा सम्मान है और अगर कोई भी मायावती का अपमान करता है तो वो मेरा अपमान होगा। हमें संयम और धैर्य से काम लेना है, बीजेपी के हर षड्यंत्र को बेकार करना है।